हमसे के थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे के थोड़ा इकरार। हेलो नमस्कार चच्चियाकार कॉपी टू ऑल बच्चे बूढ़े और जवान सबको मेरा प्रणाम। तो बिखरने के बहाने तो बहुत मिलेंगे, बिखरने के बहाने तो बहुत मिलेंगे, आओ हम मिलने के अवसर ढूंढें, आओ हम मिलने के अवसर ढूंढें। अब मुझे आपसे मिलने का अवसर मिला, मुझे पता लगा यूट्यूब से मैं आपको दोस्त बना सकती हूँ, तो मैंने बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं करी, इंतज़ार नहीं करा, सोचा नहीं, समझा नहीं, और मैंने बस चैनल बनाया और जुड़ गई। बहुत सारी कमियां हो रही हैं, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं और मुझे बताया जा रहा है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसमें सुधार करूँ। अब जो मेरा स्टाइल है वो तो नहीं बदल सकता, मुझे डांस करना, मुझे गाने मस्ती करना मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है। चुकी हूँ मुझे क्या क्या आता है वो मैं बता चुकी हूँ, और मैं उससे जुड़े ही सारे वीडियोस डालूंगी। जैसे मुझे कुकिंग का शौक है तो उसके ऊपर वीडियो डाल रही हूँ, और मुझे ब्यूटिशनर का कोर्स किया हुआ है तो मैं उसके टिप्स भी आपके साथ शेयर करती रहूँ। स्पेशल लेकर आई हूँ स्क्रब, स्किन टाइट वाइटनिंग के लिए, टैनिंग के लिए और पॉलिशिंग के लिए। तो उनका कोर्स करा जब मैंने तो अपनी भाभी मैं उनको खूब तंग किया, खूब उनके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करी मैंने तो, लेकिन वो बहुत साल पहले करी। और फिर मैं अपनी मम्मी को पकड़ती थी जब कि चलो आओ मैं आपकी मसाज करती हूँ ये करती हूँ, तब वो मुझे कहते थे नहीं नहीं तो मैं मुझे नहीं करना ऐसा, मुझे नहीं पसंद ये वो, तो मैं कहती थी फिर आप क्या करते हो अपनी ब्यूटी के लिए या कुछ के लिए, तो वो कहते थे हम तो घरेलू नुस्खे करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो भी बताते थे तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी अब घरेलू नुस्खे ब्यूटी टिप्स के लिए जो होते हैं। और मुझे ट्रैवलिंग का शौक है तो मैं उसके शौक उस चीज़ों को भी जहाँ जहाँ घूमूंगी या जहाँ जहाँ घूम कर आई हूँ उसके बारे में आपसे बातें करती रहूँगी। मुझे क्या क्या आता है वो मैं बता चुकी हूँ, और मैं उससे जुड़े ही सारे वीडियोस डालूंगी। जैसे मुझे कुकिंग का शौक है तो उसके ऊपर वीडियो डाल रही हूँ, और मुझे ब्यूटिशनर का कोर्स किया हुआ है तो मैं उसके टिप्स भी आपके साथ शेयर करती रहूँ। चीज़ें आप बताओगे ना कि मुझे किसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊँ, उसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगी, स्पेशल कोई रेसिपी आपसे शेयर कर लूंगी। अदरवाइज इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज और कुछ कुछ थाई और इसी तरह की सारी चीज़ें बनाती हूँ जो चेंज के लिए और जो मस्ती के लिए मुझे अच्छी लगती हैं सब बनाती हूँ और अच्छा बना लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं मस्ती में बनाती हूँ, मैं कुछ होकर खाती हूँ, और फ्रेंड्स भी अभी तक तो मुझे किसी फ्रेंड ने कहा नहीं कि मैं अच्छा नहीं बनाती हूँ, तो मेरी फ्रेंड्स जो आती हैं जिनका मेरा बड़ा सा ग्रुप है तो उनके साथ हम अपनी पार्टी करते रहते हैं, तो पार्टी में मुझे ये कहा है कि हाँ बना लेती हूँ अच्छा ही, तो वो मेरी चीज़ें आपसे शेयर। डांस का है तो डांस के भी बताऊँगी। अब हमारी शॉप है जैसे कपड़ों की, तो उसमें ड्रेसेस आती रहती हैं, उसमें कुर्तीज आती रहती हैं, तो उस टाइप की चीज़ें भी मैं इस पर शो करती रहूँगी, दिखाती रहूँगी आपको कि आजकल क्या वैरायटी चल रही है और कैसी अच्छी लग रही है। आजकल कॉटन चल रही है तो मैंने आज ये कॉटन का सूट पहना है, इसके मैंने एक दो क्लिप्स भी शेयर करूँगी आपसे।
सच्ची मुच्ची फैन तेरा हो गया। तो बस ये सारी चीज़ें मुझे आती हैं और मुझे मेरा दिल करता है कि मैं आपसे शेयर करूं, और अगर कुछ बुरा लगता हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी, क्योंकि जो मेरा स्टाइल है वो अब मेरा मिशन कह लो कि यही है कि मैं सबको खुश रखूं और खुश रहूं। मिशन में भी मैं कोई 10-11 साल पहले जुड़ी हूँ। एक्चुअली जुड़ी क्या, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई, उसके बाद उस प्रॉब्लम जब मेरी सॉल्व हुई तो मेरा मन किया कि चलो मुझे सबकी मदद करनी चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए। और जब मैं हेल्प करने गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली, बहुत खुशी मिली। तो मुझे लगा कि मैं शायद यही ढूंढ रही थी, शायद मुझे यही करना था। तो बस उस वैसे 6-7 साल की जर्नी, 8 साल की हो चुकी है मेरी, इसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं करी है मैंने, उसमें कोई खास मैं कुछ नहीं डाल चुकी हूँ, लेकिन मेरी कोशिश जारी है और कोशिश करती रहूँगी। ये मेरा मिशन था, मेरी खुशी थी, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिली, तसल्ली मिली, तो मुझे लगा कि यही मुझे करना चाहिए। छोटी सी आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, दिल है छोटा सा।